हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डीआईवाई रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पर इंस्टेंट ग्लो आए, इंस्टेंट निखार आए, तो इस डीआईवाई रेमेडी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। और गाइस, सर्दियों का मौसम चल रहा है, साथ ही साथ बहुत लोगों को क्या होता है कि उनकी स्किन पर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, स्किन पर कोई ग्लो नहीं होता, तो ये पैक आप जरूर ट्राई कीजिए। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की इसे बनाना किस तरीके से। इसको बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है, उसके बाद आप इसमें ऐड कर लीजिए 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपके स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आएगी और स्किन को वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग बनाएगी। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। चावल का आटा आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, स्किन से ड्राइनेस को दूर करेगा, स्किन पे अगर दाग धब्बे झुर्रियों की प्रॉब्लम है, झाइयाँ हो गई हैं, तो वो भी दूर होगी। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चावल का आटा ऐड कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा हनी। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील करती है, फटी फटी फील करती है, स्किन पर कोई ग्लो नहीं रहता, तो जो शहद है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, स्किन से ड्राइनेस को दूर करके आपकी स्किन से दाग धब्बे झाइयों को भी हटाएगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूद और शाइनी बनाएगा। तो 1 चम्मच हनी ऐड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हनी ऐड कर लिया है। हनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सर्दियों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा, खासकर सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, स्पॉटलेस बनाएगा और आपकी स्किन को शाइनी बनाएगा। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इस पैक में कोई लम्ब्स ना रह जाए। आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमारा डीआईवाई पैक एकदम रेडी हो चुका है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए, जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि आपके फेस पे जो भी डस्ट है, डर्ट है, रिमूव हो जाए। और उसके बाद अपने फिंगर्स की हेल्प से स्मूथली मसाज करते हुए आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप इसे ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि मसाज करते हुए आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। स्मूथली मसाज करनी है, अपने फेस को ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है। इससे क्या होगा कि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, स्किन पर दाने निकल सकते हैं, पिंपल्स हो जाएंगे। तो आपको गलत तरीके से मसाज ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हुए नहीं करनी है, बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है। इससे क्या होगा, मसाज करने से आपकी डेड स्किन जो है, अगर आपके फेस पर डेड स्किन हो गई है, तो वो रिमूव हो जाएगी। साथ ही साथ स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा। तो देखिए, इस तरीके से स्मूथली मसाज कर लीजिए। इस पैक को आप अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके नेक पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है। बहुत लोगों की जो गर्दन होती है वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके नेक पर डार्कनेस हो गई है, तो आप इसे अपनी नेक पर भी अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, इसके पहले यूज़ से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे फेस पर भी इस डिफरेंस को देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाइव रिजल्ट्स भी दिखेंगे कि मेरी स्किन पहले कैसी दिख रही थी और उसके बाद कैसी दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है ये। इस पैक को अप्लाई करने के बाद 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी है और उसके बाद 20 मिनट बाद इस पैक को अच्छे से रिमूव कर लेना है। अच्छे से नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आ रहा है। तो आप इस डीआईवाई पैक को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन को ग्लोइंग और शाइनी बनाएगा। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।